नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। खबर उत्तराखंड से। जी हां, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से हुई बड़ी तबाही। चमोली जिले के जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और पानी तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है, लिहाजा आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरजी की कई टीमें मौके पर रवाना हुई। श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लगभग 40 से 50 मजदूरों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवान राहत बचाव के लिए पहुंच गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि जिले के रेड़ी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्लेशियर चमोली होते हुए ऋषिकेश तक पहुंचेगा। जोशीमठ, श्रीनगर तक हाई अलर्ट किया गया है। जहां ऋषि गंगा के प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा था, वहीं पूरी नदी मलबे में तब्दील हो गई है और मलबा धीरे धीरे नदी में बह रहा है। वहीं आपको बता दें कि गंगा किनारे वाले जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यूपी के बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया। सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा से निपटने के लिए आदेश दिए हैं। जनता से भी निवेदन किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं तो और आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो कृपया आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या 9557444486 पर संपर्क करें। कृपया सभी जनता से निवेदन है कि इस घटना पर कोई अफवाह पुरानी वीडियो से ना फैलाएं, क्योंकि गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। धन्यवाद, बने रहे डीपीपी न्यूज के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करना ना भूलें। बने रहिए डीपीपी न्यूज के साथ।